मेरा GoPro टूट गया था वडोदरा में, तो मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे बनवाऊँ GoPro का, मार्केट जाना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन अभी पूना में मेरे को ये वॉच ग्लास सेंटर, ये घड़ी बनाने वाले जो होते हैं ना यहाँ पे, ये इसका ऊपर वाला हटाया है इसका भी, और इसमें लेंस लगाएंगे ये, अभी एक इनका घड़ी का सेल डाल रहे हैं। तो समस्त प्लाजा के बिल्कुल अपोजिट साइड। हाँ, सकाल प्रेस रोड, भाव रंगारी रोड, भाव रंगारी गली रोड, भाव रंगारी को 610 बुधवार पे। अगर कभी GoPro वगैरह में दिक्कत हो तो ऐसी दुकानों पे जाना, ये जो वॉच मैकेनिक होते हैं 9765057588। अगर कराने हो तो पहले कॉल पे वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा। मेरा तो हो ही रहा है, मतलब ये कर रहे हैं, देखो ऊपर का लेंस तो पूरा निकाल ही दिया, और ये इस पर नया एक गिलास लगा देंगे तो हो जाएगा अपना। ये यार एक गलती की वजह से देखो कितना वो हो रहा है। पूरा ढूंढ वडोदरा में टूटा था ये। अभी तक मेरे को इस वाले GoPro से चला रहा हूँ मैं काम, इसका देखो बटन ऊपर से ऐसे। इसका भी रिपेयर कर लेंगे क्या? इसका ये बटन हो जाएगा क्या इसका? हाँ वो कर देगा ना, मोबाइल वाला कर देगा। चलो देखते हैं, इसका भी बटन ठीक हो गया तो ये भी सेट हो जाएगा, फिर तो आईफोन की भी जरूरत नहीं है शायद। हाँ, मैं तो बोलता हूँ आईफोन मत ही लो। हाँ, कई लोगों ने बोला मुझे वो चीज़, लेकिन उसका क्लैरिटी काम बन रहा है ना। हाँ, काम क्या है, खाली कैमरास का काम है। आईफोन तो बात भी तो दूसरा फोन अपने को सर्विस दे ही रहा है ना। बात तो सही है, पर आईफोन आईफोन है, वही बात मैं भी वही बोला कि अंदर देखा ना उसको, प्ले किया तो क्या क्लैरिटी आई अंदर भैया का। देखो इतनी सी हमारे मराठी में कहावत है, मूर्ति लहान पन कीर्ति महान। मूर्ति छोटी होती है लेकिन उनकी जो कीर्ति है ना बहुत बड़ी होती है। हाँ, ऐसा है। अभी देखो GoPro का इन वजह से इनका टूटा था ग्लास, लेकिन यहाँ पे इन्हों बना के दे रहे हैं, वो भी गारंटी के साथ। हाँ, और मैं तो सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे भी हो सकता है, मैं तो सोच रहा था कि GoPro के शोरूम उसमें जाना पड़ेगा। नहीं, पर ये ऐसे भैया ने गारंटी के साथ बोले हैं, अभी अगर नहीं बना तो छोड़ देंगे। नहीं, इन्होंने कर रखा है ना, बता रहे थे पहले भी, मैंने कर रखा है ये वाला। ये देखो अब इसके हिसाब से इसकी ग्लास कटिंग होएगी, और ये गम से फिर इसको चिपकाएंगे ऐसे। ये ग्लास की साइज कटिंग हो रही है, अभी साइज काट रहे हैं इसका। ये देखो ये तो ये जो लेंस होते हैं ना भाई, अपना ये वाला लेंस बनवाने आए हैं। मोबाइल के भी मतलब लेंस बनवा सकते हो आप। ये तो यार ये तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी होता है, पता है। ये अभी अगर बाहर से बनाएगा ना ये कंपनी से, हाँ, ये मतलब मैं जाता तो मोबाइल की दुकान पे जाता, 1000 रुपए के 800 के नजीक है ना, 800 के नजीक आएगा ये अगर कंपनी में से बनाओगे तो शोरूम से मिल जाता है, लेकिन बहुत महंगा जाएगा ये। हाँ, ऐसे तो मतलब लोकल लोगों से लगा सकते हैं ये, मेरे को अभी मार्केट में देखिए क्या, नहीं मिला माना के देगा, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, अभी हाथ का काम होने के बाद। कितना फिर भी 200 रुपये खर्चा आता है, खर्चा का नहीं टाइम कितना हो बोलो। अभी हाथ का काम इनका चल रहा है ना, अभी एक काम ले चुका है उनको, 10-15-20 मिनट जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा करता हूँ, तुम्हारा जाके आ जाओ नहीं तो जब तक के सामने सामने बना के दे दूंगा मैं, फिटिंग करके देंगे ना पूरा फिटिंग करके देंगे। मेरा भी 200 रुपये का फिटिंग करके दिया है, इनका भी बोले 200 रुपये का, मतलब कोई भी कांच कैसा भी टूटा हो ये उस साइज का लगा के दे देते हैं, मतलब हो जाता है वही काम। अब देखो ये शीशा जो होता है ना, शीशे के पीछे जो पेंट होता है उसे हटा के ये इसको ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, इसको पारा बोलते हैं, पारा लगाया हुआ होता है जो पीछे, उसे हटा रहे हैं ब्लेड के माध्यम से, देखो बिल्कुल बारीक, और साइड का बॉर्डर छोड़ दे रहे हैं ताकि चिपकाने के लिए वो जगह बनी रहे। ये देखो अभी ये ट्रांसपेरेंट कर दिया इसको, इसके ऊपर एक पाउडर लगाया, पाउडर से इसको साफ कर रहे हैं, ये 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अभी पूरा क्लीन कर रहे हैं। एक चीज़ डालेंगे जब ट्रांसपेरेंट। अच्छा, अभी पाउडर के बाद इसके ऊपर एक और ब्लीच कुछ एसिड डाल रहे हैं, एक और ये एसिड डाला है, इससे पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये कला है यार, ये तो एकदम बारीक कला है, बाप रे। जिसमें हम मुंह देखते हैं ना वैसा शीशा था ही, अब इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया इन्होंने, और पाउडर डाल रहे हैं। ये नॉर्मल है, पूरा तुम्हारा कैमरा चेक कर रहा है, क्लियर है। इसके लिए बोला तुम्हारा पहले कैमरा चेक करो, क्योंकि आगे की फिटिंग पूरा फाइनल कर देंगे, ये भी जाएगा। काम तुमको क्या बोला, मैं काम नहीं पसंद आया कांच निकाल के। और किस किस चीज के आप ग्लास लगा देते हो? मोबाइल ग्लास, कैमरे के ग्लास बनते हैं, घड़ियों के कांच बनते हैं,
चश्मे का? चश्मे का नहीं, चश्मे का नहीं। घड़ी कौन सी भी घड़ी के कांच अपने पास मिल जाएंगे। अच्छा, रोलेक्स जी नहीं मिलेंगे, अपन डुप्लीकेट जरूर मिलेंगे। अच्छा, अपन डी के मास्टर है। काम चलाओ से काम चला लोगे तो रोलेक्स का भी मिल जाएगा। आ, काम तो उसका रोलेक्स का भी ग्लास दिखाता हूँ, देखो ये रोलेक्स लगे लगा। अच्छा, अरे हाँ ये लिखा है यार, रोलेक्स लिखा है, रोलेक्स का ही ग्लास है। कॉपी, फर्स्ट कॉपी, ये खुद ही बता रहे हैं भाई, देख लो। चलो हो गया ये वाला, अब इसको ओरिजिनल वाला ग्लू लगवा लेते हैं। अभी इन्होंने ना मेरे को एक टेम्परेरी ग्लू लगा के दिया, बोला पहले चेक कर लो सैंपल के लिए कि चेक कर लो, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो मैं निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लो काम नहीं आ रहा तो मैं निकाल लेता हूँ, ऐसे बोला। 200 रुपये में इनका, देखो ये मोबाइल का ये हटा रहे हैं अभी, मोबाइल वन प्लस नोट 3 का ये ऊपर का ग्लास इनका हटा के कैमरे का ये भी लगा रहे हैं इनका। वन प्लस है मतलब नोट 3 मोबाइल का हो जाएगा, वॉच का हो जाएगा, और कैमरे का भी हो गया, घड़ियों का, हाँ घड़ियों का तो ही। ग्लास के बादशाह है, ग्लास के बादशाह वो दिखाओ ना अभी, जो न्यूज़पेपर दिखाया था जो, ये देखो इनका ना 2010 से यहाँ पे दुकान है, तो तब का एक रिपोर्ट है इनका छपा था, इनके इनकी उम्र देखो इसमें, और ये पूरा रिपोर्ट इनका, तब से दुकान है यहाँ पे, कला है यार ये तो, मतलब जब आप यहाँ पे ये काम होता हुआ देखोगे ना तो आराम से आराम तो पता, 25 साल तो पता चलेगा ये बारीक कितना काम है, और एक कला है ये तो एकदम। ये देखो अभी ये मैंने बैटरी और मेमोरी कार्ड वापस से इस वाले GoPro में लगा लिया है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और इसको मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि ये बोल रहे हैं जब इसमें मैं ये हार्ड वाला ग्लू लगा रहा हूँ ना, इसको 2 घंटे तक यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत हार्ड ग्लू है, पता नहीं क्या होता है अगर यूज़ करेंगे तो पत्थर हो जाएंगे, पत्थर सूखना मंगता है, हाँ सूखने को टाइट लगने को 2 घंटे लगते हैं, अगर यूज़ करने जाएंगे तो कांच गिर जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, उसको रबर लगा के देंगे। समझ गया 2 घंटे सूखने को टाइम लगता है। हाँ इसको हार्ड होने को टाइम लगता है, और इसको रखते भी देखो ये पानी में है, पानी में क्यों रखते हैं इसे? ये गम है ना, हार्डनर रहता है उसके अंदर, बाहर निकल जाता अपने आप। अच्छा, ऐसा खुला रख देंगे उसको तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इसीलिए देखो पानी में इसको रखा हुआ है, इतना हार्ड कुछ तो ये गम है। अब ये एक बार खुल गया कि वो बहते रहता है। ये यहाँ पे बना रहे हैं इस ग्लू को, दो चीज दो ग्लू मिलाए हैं ना इसमें आपने, दो चीज मिलाई है इसके अंदर, अब इसके ऊपर पाउडर डाला। अरे वाह क्या कारीगरी है यार, ये देखने से समझ में आती है, मतलब हम तो ये सामने कर रहे हैं ना, क्योंकि कई लोग जैसे बोलते हैं, कई लोग तो बोलते हैं कि छोड़ के चले जाओ, फिर वो पीछे करते हैं, यही वजह से बोलते हैं क्योंकि वो आप खुद नहीं करते, दूसरे से करा के लेके आएंगे फिर आपको देंगे। अब ये पूरा टाइट हो गए, ये देखो ये नहीं, घड़ी के इन्होंने ग्लास लगाए हैं, और ये हमारा भी ग्लास लग गया है, अब इसको रबड़ लगा के ऐसे 2 घंटे तक रखेंगे, जो ऊपर का टूट गया था ये पूरा इन्होंने रिपेयर कर दिया है, ये मशीन यूज़ करी, ग्लू यूज़ करा है, कटिंग के लिए ये यूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, ब्लेड यूज़ किया है, बहुत सारी बारीक बारीक सी चीज़ें यूज़ करी। अब इनका देखो इसी तरह से ये इनका मोबाइल के कैमरे का ग्लास लगा रहे हैं, यही ये आपने उसमें जाके पता किया था ये कितने रुपए का लगा रहे थे? 1000 रुपये। 1000 रुपये का? अब 1000 रुपये का काम देखो इनका 200 रुपये का हो जाएगा कैमरे का ग्लास। क्या सर्विस सेंटर ने पूछा, क्या पूछा उनको? 1000 रुपये बोला। अच्छा, वन प्लस ब्रांड है तो महंगा ही रहेगा। और अपने आईफोन का लगाया ऐसा कभी? हाँ अच्छा, आईफोन का भी लगाते हैं भाई, आईफोन रोलेक्स कुछ भी लगवा लो, सबके ग्लास, मोबाइल के ग्लास में जो बना लाया हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको, मोबाइल के। हाँ अच्छा, तो मेरे खुद के असेंबलिंग करे ले, और मैं मार्केट में बेचा हूँ। अच्छा, ये मोबाइल के ऐसे ग्लास होते हैं, और ये मैं बना के दिया हूँ ऐसे में, ये देखो इनके खुद के ये मैन्युफैक्चर्ड ग्लास है, तो पता चलेगा कौन से मोबाइल, ये कौन से मोबाइल का? सैमसंग का। ये मोबाइल की कांच है, ये मैं इसमें बना के देता हूँ, इसके लिए तुमको दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी इसके पीछे ये क्या बोला था आपने, क्या लगा हुआ इसके पीछे? ये बॉर्डर का जी, तुम्हारे को जो बनाया वही मटेरियल है। हाँ, वो नाम बताया था आपने, पारा। देखो इसके पीछे पारा लगा हुआ है, इसको ये ना वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ये इसको शाइनिंग भी आती है, शाइनिंग कर देते हैं। ये अलग अलग मोबाइल के इन्होंने ग्लासेस खुद के मैन्युफैक्चर्ड हैं इनके। एप्पल का भी है इसमें क्या? एप्पल का ऑन डिमांड बना दोगे, एप्पल का कर दोगे? एप्पल का क्या होता है, बहुत टेक्नोलॉजी उसकी बहुत हार्ड है। हाँ, उसका जो फिटिंग है ना बहुत ज़बरदस्त है, मैं ज़्यादा करके उसको हाथ नहीं लगाता। हाँ, कोई एक अंदर तोड़ के लाया तो पूरा ग्लास निकलेला रहता, मैं बिठा के देता हूँ।
उसको जो फिटिंग में था वो फिटिंग कार्ड, अभी इनका ग्लास निकल रहा है हाँ। वो ग्लास निकलता नहीं, जैसे आपने ये ब्लेड से निकाल दिया, ये स्क्रूचाई एक साइड से मारते जाऊंगा तो ये निकलते जाता है। इसमें नॉर्मली फिटिंग रहती है, उसमें बहुत हार्ड फिटिंग रहती है एप्पल की। अच्छा, काटने में बहुत तकलीफ होती है तो निकलता नहीं, उसको हॉट गन पे काटना पड़ता। किसी का गिरेला रहेगा टूटेला रहेगा तो मैं काट लेता हूँ। हॉट गन आपके दुकान में होती तो वो भी हो जाता क्या? नहीं, वो क्या होता है लपड़े वाले, ज्यादा जितना ज्यादा लपड़ा लेंगे उतना दिमाग को तकलीफ ज्यादा होती। जो हो सकता है अभी इनका काम देगा मैं, फुटेला ग्लास है, फुटेला तो निकल सकता है पर नहीं फुटेला रहेगा उसको काटने जाएंगे तो नहीं निकलता। इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है देखो यात्रा में। चलो इसका मैं पैसा दे देता हूँ 200 रुपये। ये लो भाई, ये रहे 200 रुपये, ये लग गया हमारा ग्लास। ये लो भैया, थैंक यू, वेलकम। काम हो गया, ये वाला काम हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ आईफोन की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब 2 GoPro हो गए और देखते हैं अगर अच्छी डील मिल गई तो आईफोन की वो भी ले लेंगे शायद, देखते हैं। चले चलो, अभी कितना किलोमीटर जाना है हमें अपने को? अभी 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर We all do.